हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आकाश गिरो। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी 18 अगस्त को कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है, अपसाइड को रहेगा या फिर डाउनसाइड को, या फिर मार्केट साइड वेज रहेगा, गैप अप होगा या फिर गैप डाउन। इस वीडियो को यदि मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा एनालाइज कराने वाला हूँ बैंक निफ्टी को, तो इस वीडियो में बनी रही आप लोग। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 4 से 5 मिनट की वीडियो रहेगी, जिससे आप लोगों को यहाँ पर कल बहुत ही ज़्यादा ट्रेड लेने में यहाँ पर आप लोगों को सुविधा रहेगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। चलिए हम लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और ऐसे अपडेट आप लोग पर डे पाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच के रखी हुई है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच के रखी हुई है, और यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ये वाली मैंने खींच के रखी हुई है, एक हॉरिजेंटल लाइन मेरी ये है। ठीक है, तो ये वाली हॉरिजेंटल जो लाइन है मेरी, यहाँ पर ये करेगी सपोर्ट का काम, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये वाली हॉरिजेंटल लाइन जो मेरी है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, आप लोग के यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा बना के रखा है। ठीक है, ये क्यों बना के रखा है इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगा। तो कहीं सबसे पहले अगर मार्केट 19380 के लेवल से 19325 के लेवल तक कंसोलिडेट करता है, जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता अपसाइड के लिए, इसको ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक आप लोग यहाँ पे कॉल पोजिशन नहीं लेंगे। ठीक है, और जब तक यहाँ पे 19325 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक आप लोग यहाँ पे पुट के लिए, आप लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए पुट ऑप्शन को नहीं उठाएंगे। ठीक है, जब तक 19325 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि इस लेवल में मार्केट यहाँ से यहाँ तक मार्केट यहाँ पे साइड वेज रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप लोग यहाँ पर पोजिशन कब लेंगे अपनी यहाँ पर, ठीक है, आप लोग कॉल साइज में यहाँ पर कब पोजिशन ले सकते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इस बारे में। तो आप लोग को देखना है गाइस, जैसे ही यहाँ पर 19380 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है, इस और यहाँ पे हमारे सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है, तो आप लोग यहाँ पे पोजीशन को ले लेंगे। ठीक है, और पहले आप लोगों का टारगेट रहेगा 19440 का गाइस, इस लेवल का, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, 19440 का आप लोग यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा 19440 का, और फिर जैसे ही 19440 के ऊपर जाएगा मार्केट, और यहाँ पे 19440 में यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, सपोर्ट लेता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक एरो बनाया हुआ है इस प्रकार से पूरा। ठीक है, 19440 में जैसे ही मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है, आप लोग अपनी पोजिशन को कंटिन्यू रखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग को नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 19480 का। ठीक है, इस लेवल का 19480 का आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा गाइस। तो अप साइड के लिए आप लोग इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, और डाउन साइड की बात करें हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं डाउन साइड में जब तक मार्केट 19324 को ब्रेक नहीं कर रहा है, 19324 को जब तक मार्केट डाउन साइड को ब्रेक नहीं करेगा, यानी कि इस लेवल को यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं लेंगे। जैसे ही मार्केट 19325 को ब्रेक करता है गाइस, आप लोग यहाँ पे पुट साइड के लिए पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, यानी कि डाउन साइड के लिए। तो जैसे ही आप लोग पोजीशन लेते हैं, आप लोग का पहला टारगेट होगा यहाँ पे 19280 का, 19280 का आप लोग यहाँ पे पहला टारगेट होगा इस लेवल का, सॉरी गाइस, 19250 का आप लोगों को यहाँ पे पहला टारगेट होगा 19250 का। ठीक है, 19250 का आप लोगों को यहाँ पे पहला टारगेट होगा, और जैसे ही 19250 तक आता है, आप लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसका आखिरी सपोर्ट है। ठीक है गाइस, इसका आखिरी सपोर्ट है यहाँ पे, इसलिए आप लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, और यहाँ से मार्केट 30 से 40 पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, एक कैंडल बनने के बाद ऊपर जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे पुट साइड, यहाँ पे कॉल साइड के लिए आप लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। इस लेवल से कॉल साइड के लिए आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आप लोगों का पहला टारगेट होगा ये गाइस, ठीक है, 19324 का, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, इस लेवल से अगर मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल से, ठीक है, अगर इस लेवल से ऊपर 30 से 40 पॉइंट ऊपर जाता है, और मार्केट दोबारा से रिवर्स आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, 19250 के लेवल को ब्रेक करता है, तो गाइस आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू। आप लोग यहाँ पर पुट साइड के लिए आप ट्रेड लेंगे, आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है गाइस, आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, और आप लोग अपनी पोजिशन के लिए पोजिशन यहाँ पर कंटिन्यू रखें। ठीक है, यहाँ पर पुट साइड के लिए आप लोग कंटिन्यू अपनी पोजिशन को रख सकते हैं। और मार्केट वैसे तो आपके आज का जैसा मार्केट रहा है, जिस प्रकार से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, इस लेवल से मार्केट यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे ऊपर नहीं गया इससे और डाउन आ गया, तो मार्केट कल का मार्केट जो रहेगा हमारा गैप डाउन रहेगा 70 से 80 पॉइंट। ठीक है, 70 से 80 पॉइंट मार्केट कल हमारा गैप डाउन रहेगा, तो आप लोग यहाँ पे समझे कि मार्केट हमारा पुट साइड के लिए कल यहाँ पे आप लोग को अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो सब लोग यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड लें, और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को आप लोग दोबारा से भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि कल मार्केट यहाँ पे कॉल साइड के लिए कल मार्केट नहीं रहेगा, कल मार्केट पुट साइड के लिए रहेगा। तो आप लोग पुट साइड के लिए अपनी पोजीशन को बना के रखें, जिस प्रकार से मैंने बताया हुआ है, इस प्रकार से अगर आप लोग फॉलो करते हैं, तो अच्छा खासा आप लोग यहाँ पर कल प्रॉफिट बना सकते हैं। और गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।